In this video, I will discuss about the relativity of mass, जो कि बहुत ही important, interesting concept है. तो start करने से पहले अगर आप channel पे नए हैं तो channel को subscribe कर दें, क्योंकि मैंने relativity से related सभी videos upload की हुई है. तो चलिए start करते हैं. देखो, हमने classical mechanics के अंदर classical relativity में क्या देखा था कि mass आपका क्या था, constant था, absolute था, वो velocity के साथ उसका कोई भी variation नहीं हो रहा था. लेकिन according to theory of relativity, mass of a body is not absolute और वो vary करता है आपका velocity के साथ, ठीक है. और ये जो relation आता है, ये क्या आता है, m is equal to m naught upon root 1 minus v square minus c square, जहाँ पे m naught आप क्या है, body का rest mass है. तो इसको proof करते हैं. देखिए, तो हमने consider कर लिया कि हमारे पास s और s dash दो frame of reference हैं आपके. s dash जो frame of reference है वो v velocity से move कर रहा है in plus x direction, ठीक है. तो हमने s dash frame के अंदर दो bodies assume कर ली, दो bodies हैं हमारी s dash frame की, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे. तो दो spherical balls हमने assume कर ली जिनका mass है m, दोनों spherical balls का mass m है और दोनों u dash velocity से move कर रहे हैं, लेकिन opposite, एक दूसरे के opposite direction में. मतलब अगर एक जो बॉल है आपकी वो प्लस u डैश वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो दूसरी है वो माइनस u वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है. और दोनों का मास सेम है m. तो क्योंकि बिफोर कोलिजन आप क्या देख रहे हो, बिफोर कोलिजन आपका जो टोटल मोमेंटम है वो क्या होगा, जीरो. क्योंकि आपको पता है इस बॉल का मोमेंटम क्या होगा, m इंटू यू डैश, प्लस इस बॉल का मोमेंटम क्या होगा, m इंटू यू डैश बट माइनस में, क्योंकि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है वो क्या है, माइनस के अंदर है. तो बिफोर कोलिजन आपका मोमेंटम क्या है, जीरो है. अब अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो आफ्टर कोलिजन आपका मोमेंटम है वो भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. इसका मतलब क्या है, अभी वो जीरो कब होगा, जब ये दोनों बॉडीज हैं आफ्टर कोलिजन रेस्ट के ऊपर आ जाए, है ना. तो वहाँ पे आपका क्या होगा, जो मोमेंटम है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी आफ्टर कोलिजन रेस्ट पे अगर होगे तो. अब ये सेम चीज़ हम एस फ्रेम में देखेंगे, एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये कोलिजन कैसे होगा, ठीक है. तो उससे पहले हमें पता है कि जो हमारे पास रिलेशन आया था एडिशन ऑफ वेलोसिटीज़ का, जो मैंने इससे पीछे वाले टॉपिक में जो रिलेशन देखे थे, तो वहाँ से हमने क्या देख लिया कि जो आपका यू वन है, क्योंकि एक जो पार्टिकल जो बॉडी है उसका उसकी जो वेलोसिटी है वो यू डैश है, दूसरी की वेलोसिटी क्या है, माइनस यू डैश है, ठीक है. तो यहाँ पे जो यू वन है, अब ये रिलेशन एस फ्रेम के अंदर अगर हम ये देखें, तो एस फ्रेम के अंदर वेलोसिटी क्या होगी, यू डैश के लिए यू वन यू डैश प्लस वी वन प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर. और यू टू वेलोसिटी, अब यहाँ पे मैंने यू वन यू टू क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो सेम है, बस एक नेगेटिव साइन है क्योंकि अपोजिट है दोनों की डायरेक्शन. तो यहाँ पे s फ्रेम के लिए ये वेलोसिटी क्या होगी, u2 टू इज इक्वल टू माइनस यू डैश प्लस वी और वन माइनस, अब यहाँ पे माइनस क्यों, क्योंकि माइनस u है, माइनस यू वी अपॉन सी स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर मैंने वन नाम दे दिया. अब देखिए, u1 और u2 वेलोसिटी हैं वो विद a और b जो आपके स्फेरिकल बॉल्स हैं उनकी वेलोसिटी हैं, बट विद रिस्पेक्ट टू s फ्रेम, ठीक है. अब यहाँ पे हमने s फ्रेम के अंदर जो बॉडीज का मास है वो क्या होगा, m1 इंटू m1 और m2, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे मास सेम नहीं होगा, ठीक है ना. जैसा कि हमने क्लासिकल रिलेटिविटी में पढ़ा था, मास आपका दोनों इनर्शियल फ्रेम्स के s और s डैश फ्रेम के अंदर सेम था, लेकिन यहाँ पे हमारा जो मास है वो सेम नहीं है, क्योंकि s डैश फ्रेम में हमने मास क्या लिया था, m लिया था, लेकिन यहाँ पे मास सेम नहीं होगा s फ्रेम के अंदर. तो s फ्रेम में जो वो बॉडीज़ हैं उनका मास क्या होगा, m1 और m2. तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका m1 जो है इन फ्रेम s, m1 है आपका वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, m2 है u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है. आफ्टर कोलिजन ये क्या होंगे, दोनों v वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है. तो यहाँ पे जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v. अब यहाँ पे हम u1 और u2 की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन वन से रखेंगे, तो इक्वेशन वन से हमने u1 और u2 की वैल्यू पुट कर दी, तो m1 u डैश प्लस v एंड यहाँ पे हमने u2 की वैल्यू पुट कर दी,
अब क्या करेंगे, जो m1 की टर्म्स हैं उनको एक साथ रखेंगे, m2 की टर्म्स को एक साथ रखेंगे, तो यहाँ पे क्या है m1v, तो m1v को इधर ले आए तो यहाँ पे माइनस v आ गया। अब m2 है इसको इधर लेके आए तो v माइनस दिस थिंग किस में आ जाएगी आपकी, माइनस में आ जाएगी। तो अभी इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम जब आप लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, v से v आपका कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड और आपका क्या बचेगा, m1 इज इक्वल टू यू डैश माइनस यू डैश वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू m2 यू डैश माइनस यू डैश वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से m1 बाई m2 का इसको इधर लेके गए, इसको नीचे लेके जाएंगे तो आपका ये रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली तो दोनों क्वांटिटीज़ हैं वो आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास m1 बाई m2 क्या आ गया, 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को हम एज इट इज यहीं पे रखेंगे और हम क्या करेंगे कुछ और अलग से सॉल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने u1 स्क्वायर ले लिया, तो u1 हमारे पास क्या है, u1 हमारे पास क्या है, u डैश प्लस v, तो u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिया, अब ऊपर हम u डैश प्लस v का स्क्वायर खोल लेंगे, u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन इसका नीचे स्क्वायर एच डीज रखेंगे। अब क्या करेंगे हम, u स्क्वायर है उसको c स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, u1 स्क्वायर को c स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सेम हमें यही चीज़ इधर भी करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, c स्क्वायर से डिवाइड करके 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसको पूरे को c स्क्वायर से डिवाइड करोगे और 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस। आप क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा, देखिए एक सेकंड, एक चीज़ और है, यहाँ पे ऊपर एलसीएम लोगे इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एलसीएम आएगा नीचे, और मल्टीप्लाई करके हमने जो स्क्वायर रूट है वो भी खोल लिया, तो स्क्वायर रूट जब इसका आप खोलोगे इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये टर्म्स आएंगी। अब यहाँ पे देखिए हम जो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे भी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ रहा है आपका, यहाँ पे भी आपका वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे यहाँ से और यहाँ से वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, जो अंदर बचेगा वो यहाँ पे रख देंगे। अब इसको, इसके अलावा आपके पास ये दोनों टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी और यहाँ से क्या आएगा, 1 माइनस ये आपका क्या आ गया, 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये जो आपकी टर्म है यहाँ से हमने वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो आपका ये आ गया नीचे आपका एज इट इज़ है। अब देखिए 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एल एच एस आपका एज इट इज़ है इज इक्वल टू, इन दोनों में से हम 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आपका क्या बचेगा, यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से ये टर्म आएगी। आप देखिए ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब सिमिलरली ये हमने क्या सोल्व किया था, 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सिमिलरली हम यू टू स्क्वायर के लिए सोल्व करेंगे, तो यू टू स्क्वायर के लिए जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास ये आएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन 4 और 5 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को 5 से डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 4 से जब 5 को आप डिवाइड करोगे तो कुछ टर्म्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपके पास ये बचेगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, स्क्वायर रूट है, तो जब आप इसको स्क्वायर रूट हटाओगे तो इधर आपका एक, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट हटाओगे तो यहाँ पे एक स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका। अब इस इक्वेशन को आप कंपेयर करो इक्वेशन नंबर 3 से, तो आप देखोगे ये एक साइड दोनों की सेम है, इसका मतलब दूसरी साइड भी सेम होगी, तो इसका मतलब m1 बाय m2 आपका किसके इक्वल आएगा, रूट 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस यू टू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब इसको इधर लेके गए, इसको इधर लेके गए तो आपका क्या आएगा, m1 इंटू रूट 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू m2 इंटू रूट 1 माइनस यू टू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, m इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब कहता है कि इफ u इज इक्वल टू 0, अगर आपका u 0 है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आपका मास क्या होगा, m0 के इक्वल होगा,
है ना। अगर आपका पार्टिकल रेस्ट पे है तो आपका मास है वो रेस्ट मास के इक्वल आएगा, एम नोट के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे अगर हम कंडीशन रखेंगे तो एम इंटू वन माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, आपका एम नोट के सॉरी तो यहाँ से आपका m किसके इक्वल आ गया, m नोट अपॉन रूट वन माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर आप u की जगह v पुट करोगे तो m नोट अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया बिटवीन मास एंड वेलोसिटी। अगर आप इसको ग्राफिकल में देखें तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है। स्टार्टिंग में आपकी जब आप वेलोसिटी इंक्रीज करोगे बॉडी की तो आपका मास है वो स्लोली इंक्रीज होगा, लेकिन उसके बाद वेलोसिटी ऑफ लाइट की तरह वो भी फास्ट इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। सो यहाँ से हमने क्या देखा है कि आपका मास है वो एब्सोल्यूट नहीं है और वो वेलोसिटी के साथ साथ इस टाइप से वेरी करता है, ठीक है। तो आपका m क्या आया है, m नोट अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। m नोट यहाँ पे क्या है, रेस्ट मास है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेटिविटी ऑफ मास। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।